जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज का जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। ये इनके चैप्टर के जो हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, जिसमें हमने स्ट्रेटजिक प्लानिंग के मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है, मार्केटिंग रोल, फिर मिशन ऑब्जेक्टिव गोल्स को डिस्कस करना है, फिर BCG मैट्रिक्स है इसको डिस्कस करना है, इसके बाद प्लानिंग मार्केटिंग से मुतालिक कुछ बात करेंगे, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग मिक्स, फिर हमने SWOT एनालिसिस को डिस्कस करना है, और इसके आखिर में फिर हम जो सबसे एंड में डिस्कस करेंगे वो है मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। चलिए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस हेडिंग को आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिफाइनिंग मार्केटिंग रोल। देखें, सबसे पहले बात यह है कि किसी भी कंपनी का मेन एजेंडा, मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो होता है मार्केट में ग्रो करना और सर्वाइव करना, ठीक है, और यही सबका लॉन्ग रन जो है वो प्लान पे होता है। और ये प्लान जो है वो बनाते हैं जो भी सिचुएशन होती है मार्केट की, ठीक है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो मार्केट की सिचुएशन है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उन सब के हिसाब से सामने रख कर फिर आप अपनी जो है वो लॉन्ग रन प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है। यही आपका मेन एजेंडा होता है, यही आपका मेन गोल होता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ना सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए, स्ट्रेटेजी जब भी आप बनाते हैं ना तो आप बताते हैं कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, कि ये आपने अचीव करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि जी हम ये चीज अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आपका अगला स्टेप आता है इस प्रोसेस में, सेकंड स्टेप होता है प्रोसेस में प्लान फॉर्मुलेशन। आप प्लान फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, किस रोड मैप को फॉलो करना है, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि हमने लाइक लाहौर जाना है, ठीक है, फिर हम प्लान बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि हमने कैसे जाना है, ठीक है, हमने बस के थ्रू जाना है, उससे पहले हमें जारी बात है कि बस के स्टॉप तक जाना होगा, हमें बस की टिकट कंफर्म करानी होगी, फिर बस की सीट पर बैठेंगे और फिर हम लाहौर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम इस तरह से प्लान अपना पूरा का पूरा फॉर्मुलेट करते हैं। इसके बाद होता है प्लान इम्प्लीमेंटेशन। अब जो हमने प्लान बनाया था ना कि हमने लाहौर जाने के लिए हम जाएंगे, बस स्टॉप तक जाएंगे, ठीक है, वहां पे हम जाके फिर टिकट परचेज करेंगे और उसके बाद बस में बैठेंगे, ये अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी होती है और आखिर में आपकी होती है एवेल्युएशन, कि जो आपने किया था उसको आप एवेल्युएट करते हैं कि जो हमने प्लान बनाया था कि हम अगर फर्स्ट करें, मैंने प्लान बनाया था कि जी मैंने एक दिन में लाहौर पहुंचना है और मैं 10 बजे सुबह निकलूंगा और मैं इस तरह बस में बैठूंगा, मैंने पूरा का पूरा प्लान फॉर्मुलेट किया, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, उसके बाद जब मैंने वैल्यूएट किया कि यार मैंने कहा था कि मैं 10 बजे निकलूंगा तो क्या मैं 10 बजे निकला था, ठीक है, मैंने टिकट कंफर्म जो कराई थी क्या वो टाइमली कराई थी, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया था, तो इस तरह से आप वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेटेजी का एक प्रोसेस होता है। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे, ठीक है, जो कि इससे ऊपर ये वाली हेडिंग, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? डिवेलपिंग एंड मेंटेनिंग प्रोसेस होता है ये, आपके गोल्स और कैपेबिलिटीज जो आपकी फर्म की हैं, ठीक है, उसके बीच में किसके साथ कर रहे होते हैं आप, जो कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो जो चेंज हो रही होती हैं उसके हिसाब से, यानी कि आपका क्या गोल है, आपका क्या, क्या आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, इन दो चीजों का आप अपना क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, डेवेलप कर रहे होते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज के साथ जो मार्केट में चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। ये चीज अभी हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने छोटा सा प्रोसेस जो है इसका वो लिखा है इस पे, आपकी बुक से स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। ये सारी की सारी चीजें जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कंपनी मिशन है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स है, फिर बिजनेस पोर्टफोलियो है, ठीक है, और फिर आखिर में मार्केटिंग एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजीज है, ठीक। तो
अब हम बात करते हैं डिफाइंग द मार्केट ओरिएंटेड मिशन। सबसे पहले इस चीज के अंदर जो चीज आती है वो आती है जी मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट की बात होती है यहाँ पे। अब मिशन स्टेटमेंट क्या होती है कि जी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, कंपनी जो है आपकी वो क्या अकॉम्प्लिश करने चाह रही होती है लार्जर एनवायरमेंट में। ठीक है, ये आपका मिशन स्टेटमेंट होती है। ठीक हो गया। जैसे अलीबाबा एक है वेबसाइट चाइना की, तो उनका क्या मेन एजेंडा है। ठीक है, वो उन्होंने एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सबको जो है वो प्रोवाइड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उनका एक तरीके से कह दिया जाए तो मिशन स्टेटमेंट उनकी ये है। ईबे भी जो है वो भी कुछ सिमिलर सी प्रोडक्ट है, सर्विसेज दे रहा है जैसे अलीबाबा दे रहा है। ठीक है, तो उनका भी यही है, ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है वो। इस तरह से आप और भी सोच सकते हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह की दराज वगैरह जिस तरह से है। ठीक है, तो ये भी आपको इसी तरीके से एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आप जो है अपनी चीजें वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका मिशन स्टेटमेंट है। अब मोस्टली क्या होता है जो कि गलती करते हैं लोग, कंपनीज वाले, वो अपनी जो मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, आपने कुछ उसकी देखी होगी कुछ कंपनीज की, वो प्रोडक्ट की बेस पे बना देते होते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। अगर मेरा एक फर्ज करें कि एक बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है, और अभी मैं फर्नीचर का यानी कि कोई वुडन फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, तो मैं उसमें लिख देता हूँ कि कंफर्टेबल फर्नीचर फर्नीचर, ठीक है, या इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। हो सकता है कि कल मेरा बिजनेस इतना फ्लरिश कर जाए कि मैं वुड की और प्रोडक्ट्स भी बनाना स्टार्ट कर दूं, मैं वुड के डोर्स बनाना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, फर्नीचर से हटके डोर्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं, वुड की शो पीस जो होते हैं, ठीक है, वो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं, वुड की और चीजें बनाना से स्टार्ट कर देता हूँ। तो इन फ्यूचर जो है मतलब हर किसी के, जैसे से मैंने पहले स्लाइड पे भी बात की है कि जी हर किसी का लॉन्ग रन में यही ऑब्जेक्टिव होता है, यही एजेंडा होता है कि उनका बिजनेस ग्रो करे और वो अपने आप को मेंटेन करें और सर्वाइव करें। तो अगर मैं यहाँ पे बिजनेस इस तरीके से लेके चलता हूँ, मैं फर्नीचर के बाद ऐसा ऐसा वो कर लेता हूँ, तो फिर मेरी ये मिशन स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आप जब भी मिशन स्टेटमेंट बनवाएं तो उसमें आप इस तरह से लिखें कि आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें उसको इस तरह से लिखें कि उसमें आप जो है मतलब और चीजें भी उसमें इंक्लूड हो सकें, आपके बिजनेस पोर्टफोलियो अगर आपका चेंज होता है। पोर्टफोलियो के मुताबिक मैं आगे बताता हूँ कि वो क्या होता है। सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मेन एजेंडा तो हर कंपनी का यही होता है कि जी मार्केट पर सर्वाइव करना है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना है, मेंटेन करना है, रिटेन करना है। अब बात यह है कि जी आपकी कंपनी क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव आपकी कंपनी का क्या है। मैंने बताया कि जी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव इस टाइम पे था कि जी फर्नीचर बनाना, ठीक है, कंफर्टेबल फर्नीचर बनवाना। अच्छा, मैं उस अपने उस फर्नीचर को सेल करूं तो मैं अपनी सेल ज्यादा बढ़ा सकूं, मैं अपना बिजनेस को ज्यादा ग्रो कर सकूं, उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं। ठीक है, यही आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यही आपके गोल्स होते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपनी क्या मतलब अभी मार्केट में लेकर आई है उसके हिसाब से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को है जो है वो आगे पीछे कर सकती है। बट मेन एजेंडा सबसे पहले जो मैंने जो पहली स्लाइड पे भी था, जो इसमें भी मैंने डिफाइन किया कि जी आपने प्रॉफिट पे मेन फोकस करना होता है। ठीक है, और जी मार्केट में ग्रो करने का आपका मेन एजेंडा होता है। इसके बाद है डिजाइन द बिजनेस पोर्टफोलियो। दो चीजें होती हैं, एक मार्केट शेयर होती है, एक मार्केट ग्रोथ होती है, और इससे आगे एक ये जो मैंने टेबल बनाया है यहाँ पे, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी मार्केट शेयर क्या होती है। मार्केट शेयर की एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। मार्केट शेयर ये होती है कि फर्ज करें इस टाइम पे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है समझ लें 1000 पीपल की। ठीक है, और इस टाइम पे समझ लें कि 50% जो मोबाइल फोन्स हैं वो समझ लें जी सैमसंग के लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50% मार्केट शेयर जो है वो सैमसंग के पास है मोबाइल फोन्स में।
बाकी 50% में वीवो होगा, आईफोन होगा, उनकी अपनी अपनी परसेंटेज होगी, ठीक है। अगर इस पूरे 1000 की पॉपुलेशन में पांच अगर प्रोडक्ट्स जो हैं, पांच मोबाइल फोन्स आईफोन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि जी 0.5% जो है, नहीं 5% जो है वो, 0.5% जो है वो आपका ये है आईफोन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि जी अगर 200 जो हैं वो मोबाइल फोन जो हैं वो सोनी के हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये कि 20% जो है वो आपकी मार्केट शेयर जो है वो सोनी के पास है, ठीक है। तो ये आप मार्केट शेयर के समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट। मार्केट ग्रोथ क्या होती है कि मार्केट किस तरीके से जो है आपकी आपकी प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज या जो भी आप ऑफर कर रहे हैं वो ग्रो कर रही है मार्केट में, ठीक है। लाइक अगर आपकी पहले 500 प्रोडक्ट्स, मैंने जिस तरह से कहा कि जी 1000 की पॉपुलेशन में 500 सैमसंग के मोबाइल थे, अगर वो 600 पे चले जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनकी मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। फिर वो फॉर्मूला लगाते हैं कि जी पहले इतनी थी अब इतनी है, तो वो अब कितना परसेंट इंक्रीज कर गई है, ठीक है। वो एक कैलकुलेशन वाली चीज है, बट ये सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जी मार्केट में आप ग्रोथ किस तरह से कर रहे हैं, और ये चीजें जो हैं मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, ये आपकी परसेंटेज की बेस पे बात चल रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी बीसीजी मैट्रिक्स। ये मैंने बीसीजी मैट्रिक्स बनाई हुई भी है, ठीक है। इससे पहले पोर्टफोलियो की बात करते हैं, एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, के पोर्टफोलियो क्या होता है। अब देखें, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग डिमांड करते हैं कि जी अपना बिजनेस पोर्टफोलियो शेयर करें, बिजनेस पोर्टफोलियो शेयर करें, ठीक है। वो होता क्या है बिजनेस पोर्टफोलियो, ये होता है कि आप क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। देखिए, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है, फर्ज करें मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या ऑफर कर रहा हूँ उस टाइम पे। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में कहता हूँ कि जी मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लोगो डिजाइनिंग भी दे रहा हूँ, मैं प्रोमोशनल मटेरियल की डिजाइन भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके अलावा SEO जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो भी दे रहा हूँ, मैं इस तरह की मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रिंटिंग की भी आपको सहूलत दे रहा हूँ। तो ये सारा मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो में आएगा, जो जो सर्विसेज मैं ऑफर कर रहा हूँ, जो जो प्रोडक्ट्स मैं ऑफर कर रहा हूँ, वो सारी की सारी पोर्टफोलियो में आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी और बिजनेस को देखना चाहें, जैसे मैंने फर्नीचर की थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी, तो मैं उसमें क्या क्या देता हूँ, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, ठीक है, मैं लकड़ी के डोर्स वगैरह बनाता हूँ, मैं जो ये डेकोरेशन पीस होते हैं वो बनाता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है मेरे पोर्टफोलियो में आएंगी। तो जो जो चीजें आप ऑफर कर रहे होते हैं, जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स, वो आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में आ जाती है। तो ये आपका सबसे पहले है जी बिजनेस पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट। फिर आप करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है। क्या मैंने बता दिया आपको कि जी मैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रहा हूँ या ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मैंने लिख दिया पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसमें मैंने ये कहा था कि जी मैं क्या क्या मतलब मैंने जो जो ऑफर की हुई है सर्विसेज प्रोडक्ट्स वगैरह, अब उसके एनालिसिस हो रहे हैं, ठीक है। अब होगा ये कि जी आप एक बिजनेस को अगर लेके भी चलते हैं, लाइक मैंने फर्नीचर का जिस तरह से कह दिया, चले फर्नीचर की बहुत एग्जांपल हो गई है, मैं बिजनेस लेके चल रहा हूँ फूड का, ठीक है, मेरा एक रेस्टोरेंट है। अब उस रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो उसमें कुछ आइटम्स जो हैं वो मेरे बहुत ज्यादा बिकते होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा उनका वो होगा। कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जो कि नहीं बिकती होंगी, कुछ कम बिकती होंगी, कुछ ज्यादा बिकती होंगी, कुछ ओकेजनली बिकती होंगी। तो ये आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस ये होता है कि आप एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो रनिंग है, जो सही आपको यानी कि कमा के दे दी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शेल्फ पे जगह घेर के बैठी है, कौन सी ऐसी है जिसको हमें मतलब देखना चाहिए, मतलब ये सारी की सारी पोर्टफोलियो एनालिसिस में आ जाता है। अब एक बीसीजी मैट्रिक्स है, ये बीसीजी मैट्रिक्स बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये कंपनी थी 1970 में, 70s के एंड में, 70 में इसने एक मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें उसने समझाने की ये कोशिश की थी कि आप किस तरीके से जो है वो अपने बिजनेस को, जो आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो जो आप ऑफर कर रहे हैं उसमें आप किसको लेके चलें उस प्रोडक्ट को, किसको खत्म करें, क्या करें, ठीक है। अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा।
जैसे मैंने बताया मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, इस आप इमेज में देखें तो मार्केट शेयर है जो कि बॉटम में लिखा हुआ है और मार्केट ग्रोथ है जो कि लेफ्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब चार चीजें हैं जो इसमें काउंट होती हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। ठीक है, ये सिंपल है, ये चार चीजें आपने याद करनी है। ये बहुत बेसिक सी चीज है और ये आपकी पूरी बिजनेस की डिग्री में बार बार रिपीट होगी, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। इसको गौर से आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी डॉग की। डॉग में क्या है आपका जी, ये मार्केट शेयर भी लो आ रहा है और आपका ये मार्केट ग्रोथ भी लो आ रहा है। ठीक हो गया, इस टाइम आपकी दोनों चीजें जो हैं वो लो में है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो कोई ज्यादा आपको मतलब सेल नहीं हो रही। ठीक है, एक तो बात आप ये कर लें, इसमें इसकी कोई ज्यादा पोजीशन भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे पे समझने के बर्डन ही है। तो इस चीज को जो है आप जो चलें अभी तक आप इतना ही कॉन्सेप्ट ले लें कि आपकी कोई ऐसे कोई सेल वगैरह नहीं है इसकी, इसकी कोई पोजीशन भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, यानी कि मार्केट शेयर भी कोई नहीं है, मार्केट ग्रोथ भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बस जगह ही घेर के बैठी हुई है और आपके समझने के पैसा ही खा रही है एक तरीके से, जो भी आप इसकी काम पे मतलब लगा रहे हैं पैसा। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को ट्रबल चाइल्ड भी कहते हैं। अब इसमें क्या होती है कहानी कि जी आपकी जो मार्केट शेयर है वो तो लो है पर ग्रोथ ज्यादा है। ठीक है, ग्रोथ का चांस है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं, मतलब पहले तो ये बताता हूं कि जी यहां पे समझ लें कि आपके पास कंपटीशन कम है। ठीक हो गया, प्रोबेबली आप जो हैं शायद कोई नया प्रोडक्ट वगैरह लेकर आए हैं। ठीक है, या कोई नई सर्विस लेकर आए हैं। ठीक है, इस वजह से भी इसको आप इस चीज में कह सकते हैं कि ग्रोथ का चांस है। ठीक है, ग्रोथ का चांस है यहाँ पे, लेकिन अभी इसका मार्केट शेयर कम ही है। ठीक हो गया, लेकिन हम जज नहीं कर सकते अभी कि यार ये जो है हमको ये क्लिक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। ये वाली चीज जो है मतलब ये थोड़ी सी एम्बिगुसी हुई होती है इस टाइम पे। इसके बाद हम इसको उस पर दोबारा आएंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक और मजीद कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। इसके बाद आ जाता है आपका कैश काउ। कैश काउ में क्या होता है, पहले स्टार को डिस्कस करते हैं। स्टार में होता है कि आपका जो मार्केट ग्रोथ है वो भी ज्यादा होती है और मजीद चांस भी होता है कि मजीद ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आपका मार्केट शेयर भी ज्यादा होता है। ठीक है, यानी ये वो प्रोडक्ट है आपका जो कि आपको खूब पैसे दे रहा है। ठीक है, और वो मजीद भी आपको दे सकता है, आप इसमें मजीद एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करें। ठीक है, तो ये मजीद आपको बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है ये आपका। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका कैश काउ। कैश काउ में ये होता है कि आपके पास जो है ना ये चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा रनिंग में हो चुकी होती है। ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में इस टाइम पे ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं आपके पास, और इसमें जो है आपके पास मतलब जितना आप इसको ग्रो कर सकते थे ना वो आप कर चुके हैं। ठीक है, मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि बहुत पहले जिस टाइम पे 10 15 15 20 साल पहले जब ये फोन्स वगैरह आए थे, मोबाइल फोन्स आए थे, तो अराउंड 15 18 ईयर्स पहले जब ये मोबाइल वगैरह आया था पाकिस्तान में, ठीक है, तो उनके पास जो था बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो है अपनी सिम्स बहुत ज्यादा बेच सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट खाली थी, मोबिलिंक हो गया, पाकटेल हो गया, ज्यादातर तो यही दो थी वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर आप अब देखें तो अब बहुत ज्यादा नहीं सिम्स बेच सकते, क्योंकि अब बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी मोबाइल्स हैं, तो मार्केट ग्रोथ जो है ना वो बस इससे ज्यादा हो नहीं सकती अब। ठीक है, ऑलरेडी उनके पास बहुत ज्यादा है, तो बस यहाँ पे वो समझ लें कि वो फंस चुके हैं, इससे ज्यादा उनके पास चांस नहीं है कि उसको मजीद ग्रो कर सकें, लेकिन उनका मार्केट शेयर है। ठीक है, अब इसको दोबारा से लेकर चलते हैं और अब किसी एग्जाम्पल के साथ से इसको साथ लेकर चलते हैं। मुझको एक एग्जाम्पल बड़ी अच्छी मिली थी, उसमें मैंने खुद कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह डाल दी थी। देखें, फिलिप्स की कंपनी है, ठीक है, फिलिप्स की कंपनी है और वो ये लाइट्स और ऐसी चीजें बनाती है। ठीक है,
तो आपको याद होगा कि बहुत पहले जो थे वो येलो लाइट वाले बल्ब लाया करते थे 100 वाट के, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यूज नहीं होते हैं, ठीक है। मार्केट शेयर बहुत लो है उसका, वो डॉग में आ जाएगा क्योंकि मार्केट शेयर भी बहुत लो है और मार्केट ग्रोथ भी, क्योंकि वो बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो लोगों ने उसको अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा डॉग में, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क में फिलिप्स के मोबाइल फोन्स आ सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी सर्च किया था कि फिलिप्स तो अपने मोबाइल फोन भी बनाया करता था, जो कि अभी भी पिछले दिनों कुछ बनते रहे हैं कुछ अरसे पहले तक, ठीक है। अब का मुझे बिल्कुल करंट नहीं पता कि अब उनका कोई मॉडल आ रहा है कि नहीं, बट यस वो बनाते थे मोबाइल्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। क्वेश्चन मार्क में आने का मतलब ये है कि आपको मार्केट ये यहाँ पे ना आपके पास कोई कंफर्म नहीं पता होता आपको कि वो आपकी चीज क्लिक कर जाएगी कि नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाली चीज आपकी डॉग में भी जा सकती है, क्वेश्चन मार्क वाली चीज आपकी स्टार में भी जा सकती है, ठीक है। आईफोन जिस टाइम पे आया था वो क्वेश्चन मार्क ही था, ठीक है। वो ज्यादा अगर फोकस ना करता उस चीज पे, अपनी प्रोडक्ट पे, इनोवेशन पे, अपनी क्वालिटी वगैरह पे, वो डॉग पे चला जाता, वो निकल सकता, क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे और कंपनीज के मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने जिस टाइम पे, और आईफोन सॉरी एप्पल जो है वो और चीजों में बहुत ज्यादा जा रहा था उन दिनों में, ठीक है। आईपॉड्स वगैरह से उसके म्यूजिक के लिए यूज हुआ करते थे। ये प्रोडक्ट थोड़ी सी पुरानी, आई डोंट नो कि आपको बहुत ज्यादा मालूम हो उसका क्या, नहीं मालूम हो, बट उनका इस तरह से था, ठीक है। उन्होंने इस पे फोकस किया और अब आप देखें तो वो स्टार में है, मतलब वो उनकी मार्केट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है और वो जो है वो मार्केट शेयर भी उनका एक अच्छा है, एक अच्छा उनका मार्केट शेयर है जो आईफोन्स है, ठीक है। तो फिलिप्स के मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, जो कि अब मेरे हिसाब से वो डॉग में आ चुके हैं, ठीक है। वो एक टाइम पे जो थे वो क्वेश्चन मार्क में थे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। क्वेश्चन मार्क में ये होता है कि आपको फोकस जरा ज्यादा करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट पे, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उस पे, आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करते हैं, आप इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। या आप काम करेंगे तो आप स्टार में क्लिक कर सकते थे, क्लिक जा सकते थे उसमें, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ दें, ठीक है, तो फिर वो डॉग में चला जाता है। फिर फिलिप्स की अगर मैं बात करता हूँ, एनर्जी सेवर जो हैं वो आपके फिर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जो उनका अब जिस तरह से अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, पहले चलो मैं स्टार की बात कर देता हूँ। एलईडी लाइट्स आई हैं, आप देखें कितनी अच्छी लाइट्स हैं, बहुत कम कम एनर्जी मतलब जो है वो कंज्यूम करती हैं, तो स्टार में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि जिसको मार्केट में मार्केट शेयर उनके बहुत अच्छा है, ठीक है। मार्केट ग्रोथ का भी मजीद चांस है, वो मजीद से मजीद, क्योंकि लाइट्स घरों में यूज होती ही होती हैं, कंस्ट्रक्शन चलती ही चलती रहती है, तो लोग जो है वो उनको मतलब इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि यार आप जो है वो ये लें, इससे आपकी जो है मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताते हैं कि जी बिजली कम खाएगा और बिजली की बचत है और सेट्रा सेट्रा, और ये चलती भी लंबी है, ठीक है, लाइट भी ज्यादा पावरफुल है। कैश काउ में आपका जिस तरह से मैंने भी बताया था कि एनर्जी सेवर्स वगैरह आ गए हैं, थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो और वो एनर्जी भी एलईडीज के मुकाबले में थोड़ी सी कम खाती है, और सॉरी ज्यादा खाती है। तो अब ये है कि जी मार्केट ग्रोथ का कोई ऐसा जो है उनका कोई चांस एनर्जी सेवर्स का है नहीं कोई खास, ठीक है। वो इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा नहीं बेच सकते, ऑलरेडी जितना बेच चुके हैं बस इससे ज्यादा जो है ना कोई इनको बहुत ज्यादा चांस नहीं है, बस नॉमिनल सा ही है, ठीक है। लेकिन मार्केट शेयर उनका बहुत ज्यादा है, जिन उनके घरों में पुराने लगे हुए हैं या जो लोग अभी भी यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, इनके पास ऑलरेडी मौजूद था। तो कैश कॉम में आपका ये आ जाएगा, एनर्जी सेवर्स आ जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि जो आपका कैश काउ होती है उसमें मोस्टली आपकी इतनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो चुकी होती है कि आप उस पे ना होल्ड ही रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे होते हैं वो स्टार पे कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा होता है कि यार ग्रोथ का चांस है, ठीक है, बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा, मार्केट में आपकी ग्रोथ करेगी प्रोडक्ट वगैरह, तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसको मजीद खूबसूरत करते हैं, मजीद क्वालिटी वाइज बेहतर करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करते हैं ताकि जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। और क्वेश्चन मार्क में भी आपकी होती है इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, आप उसके मतलब ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, आप देखते हैं कि यार उसको हमने लेकर चलना है कि नहीं लेकर चलना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह उसकी भी होती है, ज्यादा अच्छी तरीके से उसको एडवर्टाइज करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसको देखेंगे मार्केट के हिसाब से अपनी उस प्रोडक्ट में थोड़ी सी इनोवेशन वगैरह लाएंगे तो स्टार में आ जाएगी।
और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही है, ऑलरेडी बाकी प्रोडक्ट्स कंपनीज की इतनी ज़्यादा अच्छी हैं और हमारे पास पैसे वैसे ही थोड़े कम हैं, ठीक है, तो हम इसको जो डॉग में ले आते हैं, डॉग से मुराद मतलब ये कि हम उस पर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वो डॉग में आती है। डॉग में आने के बाद ही होता ही है कि डॉग में यूजली हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते होते, हम कहते हैं कि यार ये चीज़ हमारी बिक नहीं रही है, ठीक है, तो हम इसको या तो डिसकॉन्टिन्यू कर देते हैं या हम इसको बिल्कुल ही नई एक चीज लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे आजकल जिस तरह से मैंने बताया वो येलो लाइट जो हुआ करती थी पुराने जमाने में, तो अब उसमें आप कोई ऐसा करने का फायदा नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि जी हम उसको अब यहाँ पे खत्म करने वाली काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। चले आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में बात होती है सबसे पहले जी डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ये देखते हैं कि जी अभी आपकी कंपनी क्या क्या काम कर रही है, ठीक है, जिस तरह से मैंने पिछली उसमें बताया कि जी फिलिप्स जो है वो ये सारे काम कर रही थी, ठीक है, अब वो देखती है कि जी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी किस तरफ पे और डाउनसाइजिंग किस तरफ पे है, ठीक है। अब होगा ये कि जो प्रोडक्ट्स उनकी नई सेल हो रही हैं या टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज होती रहती है, इनोवेशन आती रहती है, अब ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो कि एनर्जी कम से कम खाएं, ठीक है, तो डाउनसाइजिंग में होता क्या है कि जी हमने वो प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दी, ठीक है, हमने उन प्रोडक्ट को किल कर दिया। और ग्रोथ में क्या होता है कि हम जो है या तो उन्हीं प्रोडक्ट्स में मजीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि यानी उसी के प्रोडक्ट को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, या हम उससे ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट निकाल लें। और ये भी इसमें ग्रोथ में आता है कि हम उन मार्केट्स को भी अब टारगेट करना शुरू करते हैं जो पहले हमारी अप्रोच में नहीं थी, ठीक है, ये भी कर सकते हैं इसमें। और ये भी हो सकता है कि लाइक किसी कंट्री में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, ठीक है, अफ्रीका वगैरह में अगर बिजली का बहरान जिस तरह से है, तो हम वहां के लिए कोई इस तरह की लाइट लेकर आए जो कि सोलर पे चलती हो, ठीक है, तो ये भी एक नई चीज है। एक मैट्रिक्स है ऐसी तरीके की, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, ये वो एक जो है वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ चीजों को लेके चलते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स और एग्जिस्टिंग मार्केट्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये इसकी साइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इससे फर्दर बीच की चीजों को डिफाइन करता हूँ तो फिर आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें। सबसे पहले आपकी जी मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि कंपनी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाती है, ठीक है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करके, ठीक है, और जो ऑलरेडी उनके पास प्रोडक्ट्स हैं ना यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स उन्हीं को ही रखती है और एग्जिस्टिंग मार्केट्स मतलब जो मार्केट्स ऑलरेडी हैं जिन पे वो कर रहे हैं उन्हीं पे ही फोकस करती है, पर कोशिश करती है कि अब जो है इधर हम जो पहले 100 प्रोडक्ट्स बेचते थे हम 110 या 120 प्रोडक्ट्स बेचें, ठीक है, इस तरफ से होती है इनकी ये स्ट्रेटेजी होती है। इसके बाद आ जाती है आपकी मार्केट डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है इसकी भी, न्यू प्रोडक्ट्स की बात हो रही होती है यहाँ पे और एग्जिस्टिंग मार्केट्स की, कि इसमें आप क्या करते हैं नया प्रोडक्ट लेके आते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को का बेहतर वर्जन, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। जैसे मैंने आपको जिस तरह से बताया कि पहले सोलर वो एनर्जी सेवर्स होते थे, ठीक है, फिर वो एलईडी लाइट्स आई हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी आ सकती है इसमें या उसी प्रोडक्ट की बेहतर चीज भी आ सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं वही एनर्जी सेवर को क्या करता हूँ कि मैं उसको देखने में खूबसूरत कर दूं या मैं उसमें कलर्स की इजाफे कर दूं, ठीक है, पहले यानी व्हाइट लाइट थी, मून लाइट थी, उसको मैंने फिर येलो लाइट की तरफ भी लेकर चला जाता हूँ, एनर्जी सेवर के पीली कलर की लाइट भी निकलेगी उसमें से, ठीक है, उसको देखने का स्टाइल खूबसूरत कर दूं, मैं ये कर सकता हूँ, या मैं नया प्रोडक्ट ले आता हूँ लाइक जिस तरह से एलईडी वगैरह थी और अब जिस तरह की इतनी खूबसूरत लाइट्स आती हैं, ठीक है, तो मैं वो ले आता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट्स में मैं ले आता हूँ। इसके बाद है आपका मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट में आपको समझ आ गई होगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं वही आप रखते हैं और न्यू मार्केट्स में लेकर आते हैं, यानी जहां आप ऑलरेडी मौजूद नहीं थे, जिन मार्केट्स में आप मतलब नहीं आए थे वहां पे आप आ जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी एक ये भी है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे जिस तरह से गाड़ियां आ रही हैं, किया की आ रही है और
मतलब मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में अब जिस तरह से कर रही हैं, तो उनके पास वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वो उन्हीं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लेके न्यू मार्केट्स में आई हैं, यानी पाकिस्तान की मार्केट उनके लिए एक न्यू है, ठीक है। तो अपनी वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में लेकर आ गई हैं, ठीक है। तो मार्केट डेवलपमेंट आ जाती है, और एक आखिर में आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। आप डाइवर्स किस्म का, डिफरेंट किस्म की चीज लेकर आते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट्स में। आपकी कंपनी जो है कोई नया बिजनेस लेकर आ जाए, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट बिजनेस ही परचेज कर ले, ये भी हो सकता है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट याद रख लिएगा, कॉन्ग्लोमरेट। उसमें होता यह है कि एक कंपनी एक बिजनेस लेकर चल रही है, लाइक जो सर्विस है, ठीक है, वो शूज वगैरह बनाता है, टायर्स वगैरह बनाता है, वो एक नया चीज लेकर आ जाए, लाइक और बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का हो, कॉन्ग्लोमरेट बिल्कुल डिफरेंट टाइप बिजनेस हो जो कि उसके पोर्टफोलियो में से ना हो, लाइक सर्विस जो है वो मोबाइल फोन्स बनाना शुरू कर दे, ठीक है। ल्यूमिनर गोल्ड स्टार LG कंपनी, आपने नाम सुना होगा अक्सर, मोबाइल भी बनाती थी, ठीक है, और LG जो है वो TV भी बनाती थी, LG माइक्रोवेव भी बनाती थी, इस तरह की सारी चीजें बनाती थी, LG के शैम्पू भी थे एक टाइम पे। तो ये जो शैम्पू की एग्जाम्पल है ना, ये कॉन्ग्लोमरेट में आ जाएगी, ठीक हो गया। अब अगली चीज पे आते हैं, प्लानिंग मार्केटिंग पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स। अच्छा, आपकी नेक्स्ट हेडिंग में जो बात हो रही है ना, पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप की, इसमें ये है कि देखें, पार्टनरिंग विद अदर कंपनी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उस बिजनेस को किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर वालों के साथ कर रहा हूँ, समझ लीजिए, एक बड़ा सा कोई समझ लें कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो मैं उनके डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं ना, उनके साथ कुछ इस तरह से रिलेशनशिप बनाऊं और पार्टनरिंग करूं, लाइक मैं उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाऊं। मैं हूं कंपनी जो के फर्ज करें मैं बनाता हूं मसाले वगैरह, ठीक है, स्पाइसेस में बनाता हूं। अब क्या होगा कि मैं उनकी कंपनी, जैसे फर्ज करें कि कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर है बड़ा सा, इम्तियाज कह लें यहाँ पे जिस तरह से है रावलपिंडी में, तो मैं इम्तियाज वालों के डिपार्टमेंट से जाके बात करूंगा कि जी सेल्स डिपार्टमेंट से बात करूंगा कि जी आपके पास जो है सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हो रही है। वो बताएंगे कि जनाब हमारे पास इन इन मसालों की ज्यादा सेल्स हो रही है। मैं बात करूंगा उनके जो के स्टॉक करते हैं मसाले वगैरह, मैं उनसे जाके बात करता हूँ स्टॉक जो करते हैं सारे के सारे, कि किस तरह से हमने वो रखना है हिसाब किताब, किधर स्टोर करनी है हमने चीजें। मैं उनसे बात करता हूँ कि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, क्योंकि मुझे मसालों के लिए इस तरह के इन्वायरमेंट चाहिए और इस तरह से, ठीक। मैं फिर बात ये करता हूँ कि किसी और डिपार्टमेंट से बात करता हूँ कि जी फाइनेंस वालों से, कि बाकी लोग जो स्पाइसेस लेकर आ रहे हैं बाकी कंपनीज वाले, वो किस प्राइसेस पे बेच रहे हैं आपके, आपको कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। मैं बाकी यानी कि दूसरी कंपनी के डिपार्टमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, फिर मैं अपनी जो है ना एक स्ट्रेटेजी वगैरह बिल्ड करता हूँ, ठीक है। फिर मैं अपनी जो है वो कहते हैं कि जिस तरह से कि मैं कार्ड्स वगैरह प्ले करता हूँ। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू चेन में जिस तरह से हम मतलब एक 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 बार एक एक डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं और उन सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका जो है वो हमें बिजनेस के लिए एक अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी पार्टनरिंग विद अदर्स इन द मार्केटिंग सिस्टम। आपकी बुक ने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि आपके जो और लोग हैं, जैसे सप्लाई चेन का जितना डिपार्टमेंट है उनका, मैकडोनल्ड्स का, कि उनकी कितनी ज्यादा चेन्स हैं, ठीक है, कितने ज्यादा उनकी जो है वो जगह जगह पे KFC, पाकिस्तान में तो सॉरी मैकडोनल्ड्स की बात करता, कि पाकिस्तान में तो चले मैकडोनल्ड्स को बहुत ज्यादा नहीं है, पर बाहर US वगैरह में तो फास्ट फूड बहुत ज्यादा चलता है। मार्केट शेयर उनका किसी एक जमाने में 40% था बर्गर्स में खाली, आप इससे अंदाजा लगा लें। KFC हो गया, किंग बर्गर हो गया, और लोकल भी होंगे और बहुत ढेर सारे होंगे, उन सब में मार्केट शेयर तो देखें मैकडोनल्ड्स का एक टाइम पे 40% था। तो आप इससे जज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट शेयर है उनकी। अब आप ये देखें कि उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ जो कि सप्लाई चेन वगैरह वाले हैं, ठीक है, इनके साथ इतनी अच्छी रखी हुई है अपनी कम्युनिकेशन, और उन्होंने ऐसे वैल्यूज सेट की हुई हैं, ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं अपने तमाम चेन्स के साथ, कि उनका कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो कहीं से भी खा लिया जाए तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चीज़ें इतनी स्टैंडर्ड की बनाई हुई हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक्स बना दी हैं कि अगर आपने चिकन यूज़ करना है तो आपने इस वेट का यूज़ करना है, ठीक है। उसकी एक्सपायरी इतनी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा उससे इससे इस डेट से ज़्यादा आप उसको शेल्फ लाइफ नहीं दे सकते हैं। इतनी देर आपने जो है उसको कुक करना है, इतना आपने फ्रीज करना है, फ्रीजर्स का ये टेम्परेचर होगा, कुकिंग का ऑयल का ये टेम्परेचर होगा, मतलब उन्होंने इस तरह से किया हुआ है। तो एक जो पूरा सिस्टम है ना उसको बिल्ड किया हुआ है, उसी को लेके चल रहे हैं। तो इस वजह से उनका बहुत ही अच्छा जो है वो सिस्टम चल रहा है ये वाला, और इस वजह से वो मार्केट को इतनी आसानी से कैप्चर करके अब तक बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग मिक्स। ये एक फिगर है जिसमें हमने जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। कस्टमर वैल्यू रिलेशनशिप है, इसके बाद सेगमेंटेशन, ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, टारगेटिंग भी कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग। पोजीशनिंग भी आपको याद होगा कि कहाँ पे किस तरह से करना है। फिर 4 P's थे, प्रोडक्ट क्या होगी, प्राइस क्या होगी, प्रमोशन प्लेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस चीज़ को हम सब स्टेप बाय स्टेप जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। ये एक सिर्फ इमेज, आपको एक इमेज दिखाना चाहता है, एक फिगर दिखाना चाहता है कि ये इस तरह का एक इमेज है। ये एक एक करके हम इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले होती है जी कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटजी। अब जिस तरह से बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, तो कंपनीज जो है ना वो अपने कस्टमर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, उनकी नीड्स और वांट्स और उस हिसाब से अपनी चीज़ों को प्रोडक्ट को लेकर आती है और उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट। जैसे मैंने लास्ट उसमें भी किया था कि बाज़ दफ़ा तो वो इस हद तक चली जाती हैं कि वो बकायदा नाम लेके और आपके लिए स्पेशल जो है वो आपको एड्रेस करके आपको अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक बताते हैं, ठीक है। तो अब यह कि जी कस्टमर को सामने रख के वो अपनी चीजें लेकर आते हैं मार्केट में और उनको डायरेक्टली एक तरीके से भी इसमें कर सकते हैं, और ये कि उनकी उनको ना बहुत ज्यादा इंगेज करते हैं अपने कस्टमर्स को, यानी इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं उनको, तो उस हिसाब से अपनी सारी की सारी जो है अपनी वो स्ट्रेटेजी वगैरह बिल्ड करते हैं। थोड़ी सी अगली चीजें एलेबोरेट करता हूँ, फिर आपका ये पॉइंट भी इसमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जैसे मार्केट सेगमेंटेशन की मैंने एक दफा बात की थी कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। मार्केट सेगमेंटेशन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जी आप जो है ना सेगमेंट्स बना देते हैं, छोटे छोटे से चंक्स बना देते हैं, कि आप उसमें डिवाइड करते हैं कि जी आप किस मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप बुजुर्गों को करना चाह रहे हैं, आप जवानों को करना चाह रहे हैं, खवातीन को करना चाह रहे हैं, आप मर्दों को करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप किसके लिए जो है अपना प्रोडक्ट लेकर आना चाह रहे हैं, आप इस तरह से सेगमेंट्स बनाते हैं। फिर मार्केट टारगेटिंग की बात करते हैं कि आपने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी कि जी हम खवातीन को करेंगे, सेगमेंट्स बनाएंगे, जी मेल और फीमेल में से हमने फीमेल को सिलेक्ट किया, फीमेल में से फिर हम ज़्यादा आगे चलते हैं, तो जी हमने उसमें एजेस वगैरह डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हम मार्केट टारगेटिंग की बात करते हैं, तो मार्केट टारगेटिंग में होगी कि हमने इस एज ग्रुप वालों को टारगेट करना है। अगर आपको याद होगा क्लास में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमने जब वो बनाया था तो एजेस वगैरह कुछ डिफाइन की थी, हमने कहा था कि अच्छा लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं खवातीन वो इस एज की ऐसी हैं जो कि ज़्यादा चीज़ें परचेज करती हैं, तो हम उनको टारगेट करेंगे। तो हम इस तरह से जो है मार्केट को टारगेट करते हैं कि हमने किसको स्पेसिफिकली बेचनी है अपनी चीज़ें। इसके बाद है मार्केट डिफरेंशिएशन पोजिशनिंग। ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है आपकी कि आप बाकियों से मुख्तलिफ नजर आए, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी और से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं तो लोग आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपने आप को शो करना है। लाइक सिमिलरली अगर आप जॉब की बात करते हैं तो इस टाइम पे आपकी पूरी क्लास जो है जब अपनी डिग्री कंप्लीट करेगी तो सबके सब BBA क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, BBA ऑनर सबके पास डिग्री होगी। क्या चीज़ें वो होंगी कि जो आपको बाकियों से डिफरेंट कर रही होगी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी की CV अगर अच्छी बनी हुई होगी पूरी क्लास में और वो बेहतर तरीके से उसने फॉन्ट यूज़ किया होगा और अपने वर्ड्स चूज किए होंगे और अच्छा उसने कवर लेटर वगैरह लिखा होगा, तो डेफिनेटली मैं उसको ही करूंगा। हालांकि सब ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं, पर एक बंदा जो है वो उसी सिमिलर पोजीशन में रहते हुए, सिमिलर एनवायरनमेंट में रहते हुए एक 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 डिफरेंट तरीके से जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं खुद को, तो
तो ये एक चीज जो है वो आपकी इससे कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने आपको समझाया है। आखिर में डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये चार चीजें आपकी 4 P's में आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए मैंने इसमें और चीजें भी इसमें मेंशन कर दी हैं, आप इसको अपने तौर पर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट। ठीक है, इसमें आपकी जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब आप वो बनाते हैं एक स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये भी वही एक मिलती जुलती चीज़ है। ठीक है, प्लानिंग आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, कंट्रोल आता है। मैं आपको इसको अगली स्लाइड में वन बाय वन मजीद डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है आपका कि जी मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस में ना एक चीज होती है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट, ये स्वॉट आपने पूरी डिग्री में याद रखना है, ये आपका 8 सेमेस्टर स्ट्रेट, चाहे किसी भी आप स्पेशलाइजेशन से हैं आप, ठीक है, ये स्वॉट एनालिसिस आपका हमेशा काउंट होगा। यानी इस पूरी स्लाइड्स में BCG मैट्रिक्स और स्वॉट एनालिसिस, ये आपकी समझ लें कि मैनेजमेंट साइंसेज में जब तक आप हैं आपका ये हर जगह पे इस्तेमाल होगा। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, एक कंपनी आती है एक मार्केट में, दो कंपनीज हैं, कंपैरिजन हम इस तरह से कर रहे थे, एक कंपनी उसके 50 एम्प्लॉयज हैं और एक कंपनी के 20 एम्प्लॉयज हैं, तो 50 वाली कंपनी की ये स्ट्रेंथ है कि वो उसके 50 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ये उसकी एम्प्लॉयज का, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा जो है वो इतने ज्यादा पर्सनल है, यानी इतनी वर्क फोर्स है उसके पास, ये उसका एक स्ट्रेंथ है। ठीक, इस तरह से 50 लोग होंगे तो जाहिर बात है नॉलेज भी ज्यादा होगा, एक्सपर्ट्स भी ज्यादा होंगे, तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ्स हैं। हर बंदे की अपनी इस तरह से जिस तरह से स्ट्रेंथ्स होती हैं, आपकी अपनी क्लास की भी इस तरह से होगी कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ में लोग ज्यादा डाइवर्स किस्म के कल्चर से आए हुए हैं, ये भी आपकी क्लास की एक स्ट्रेंथ है, तो मुख्तलिफ चीजें इसमें आ जाती हैं। तो स्ट्रेंथ्स ये आ जाती हैं आपकी, वीकनेसेस क्या आती हैं, सॉरी एक चीज मेंशन में करना भूल गया था, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपकी इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आपकी एक्सटर्नल होती हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ्स में मैंने आपको बताया जिस तरह से कि आपकी अपनी अंदर का ही एक एनवायरमेंट है ना, इंटरनल था आपका, कि जी आपकी आपकी जो ऑफ जो आपका बिजनेस है उसमें आपके पास जो पर्सनल है वो 50 है, यानी जो वर्क फोर्स है वो 50 की है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जी ये आपकी एक इंटरनल स्ट्रेंथ है। ठीक है, वीकनेस क्या हो सकती है, वीकनेस भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, कल्चर डिफरेंट होना एक स्ट्रेंथ भी है, पर कल्चर डिफरेंट होना एक वीकनेस भी एक तरीके से कंसिडर की जा सकती है। फर्ज करें कि किसी एक कम्युनिटी की किसी एक कम्युनिटी के साथ नहीं लगती किसी भी रीजन से, रिलीजन की बेस पे, या ब्लैक हैं या वाइट हैं, ठीक है, या इस तरह की कोई भी रीजन है, ठीक है, तो एक तरीके की वीकनेस भी बन सकती है, तो ये भी आपकी ये एक इंटरनल होती है। ठीक, इस तरह से अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आपकी, अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सटर्नल होती हैं, ठीक, कि आप क्या कर सकते हैं। और थ्रेट्स क्या हैं, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास ये हैं कि आप जो है अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं किसी भी तरीके की कोई आती है। और थ्रेट्स में आपका ये है कि जी अगर आप कोई बिजनेस लेकर चल रहे थे तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो ये इस तरह की थ्रेट्स आ जाती हैं। हम इंशाल्लाह इस चीज़ को क्लास में ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे जब हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, बट सिंपली भी आप ये याद रख लीजिए, एक एक पर्सनल एक्सरसाइज कर लीजिए इस चीज़ पे, तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि आप अपने स्वॉट एनालिसिस खुद बनाएं। आपको पता होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपके इंटरनली क्या स्ट्रेंथ्स होंगी, बींग अ ह्यूमन बींग, और आप इस टाइम पे BBA कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपके मैनेजमेंट साइंसेज में एजुकेशन चल रही है, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जो है आपका माइंड भी स्ट्रांग है, या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेसेस क्या हैं आपकी इस टाइम पे, कि अभी आपकी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो इसलिए आपके पास कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी बिजनेस की। ठीक है, तो ये आपकी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कि आप जो है मुख्तलिफ चीजों की कोर्सेज कर सकते हैं अपने आप की, अपनी क्वालिटी, अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज की सारी चीजें आ जाती है। थ्रेट्स इसमें क्या आ जाएंगी, फियर
थ्रेट्स में आपका ये आ जाएगा कि आपके कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो बीबीए वगैरह करा रही है। कल मार्केट में आप जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, तो इस टाइम पे आपके पास इतना ज्यादा बायर होगा कि एक थ्रेट में आ जाता है, ठीक है। और ये आप इंटरनल को तो आप वो कर सकते हैं कंट्रोल, एक्सटर्नल को आप जो है ना वो कंट्रोल नहीं इस तरह से कर सकते, ये आप याद रखिएगा। इंटरनल जो है आपकी, जिसे बताया इंटरनल, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको इन्हेंस कर सकते हैं, अपने वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जी आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस ये है कि अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, बट यू आर ऑन, मतलब ऑन योर डिग्री उसमें एनवायरमेंट में, तो आप इस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मैंने आपको बता दी, एक्सटर्नल होती हैं, आप इनको ऐसा चूसा से नहीं रोक सकते हैं। मार्केटिंग प्लानिंग होती है, प्लानिंग का मैंने जैसे पहली स्लाइड में भी बात की थी, स्ट्रेटेजी का, ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था कि ये काम करना है, अब आप प्लानिंग कर रहे हैं, बाकायदा प्लान कर रहे हैं उसको कि किस तरह से हमने काम करना है। मैंने आपको जो एक लाहौर जाने की एग्जांपल दी थी वो उसमें आ जाती है कि आपने पूरा प्लान बनाया, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं,